कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इंटीग्रेशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे, थोड़ा टाइम दे रहे होंगे। तो मैंने जो इंटीग्रेशन ऑफ के डिफरेंट टाइप्स की मैं बात कर रहा था, तो एक उसमें जो इम्पॉर्टेंट टाइप था हमारा, वो था टाइप ऑफ इंटीग्रेशन साइन एम कॉस एन एक्स। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइन एम कॉस एन एक्स, ये जो आपका इंटीग्रेशन है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको की याद नहीं रहेगा तो ये काफ़ी टिपिकल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका की याद रखते हैं तो आपको बहुत इजी होता है कभी भी बनाना। तो देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट केसेस पर कब कब क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होगा वो लिखा हुआ है। केस वन में कि अगर एम आपका ऑड है तो हम कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, एम अगर अगर एन ऑड है तो साइन एक्स को टी पुट किया जाता है, अगर दोनों ही ऑड है तो किसी को भी टी पुट कर सकते हैं, अगर दोनों इवेन है तो एक्सप्रेस द फंक्शन एज सम ऑफ सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, ये करना पड़ता है। अगर आपका एम प्लस एन दोनों को जोड़ने से अगर निगेटिव इंटीजर आता है तो ये आपको टेन एक्स या कॉट एक्स को पुट करना पड़ता है। इसमें ये जो केस नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी से बनते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, और कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे के रखा हुआ है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप कर पा रहे कि नहीं। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 आप कीजिएगा। ठीक है, इसका हिंट भी यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले खुद से बना करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल आप करने की कोशिश कीजिए। ओके, जिसमें एक है एग्जाम्पल नंबर 4, ये आप देख रहे हैं, इसको आप कर सकते हैं। हिंट या सॉल्यूशन मत देखिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप देखें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपके लिए आसान होगा। अब हम लोग चलते हैं वापस से एनसीईआरटी के बुक में। तो एनसीईआरटी के बुक में हमने वो जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था, तो वो क्वेश्चन आपको मैं दिखलाता हूँ कि वो क्वेश्चन अब इस कैटेगरी से भी आप किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हालांकि हमारे पास उस क्वेश्चन के लिए बहुत सारा और भी डिफरेंट मेथड हमारे लिए हो सकता है। तो जो क्वेश्चन था फ्रेंड, वो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था आपको मैं क्वेश्चन दिखला देता हूँ। 39 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 39 था। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन का पावर 2x कॉस का पावर 2x dx। ठीक है, जिसके चलते हमने इतना मेहनत किया है और हम इतने सारे टाइप्स के बारे में अभी डिस्कस करने गए। ठीक है, उसका असल पर्पस यही था ताकि आपके लिए ये समझना आसान हो जाए कि इंटीग्रेशन में टाइप्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए कि अभी मैंने जो आपको टाइप्स बतलाए हैं, एक तो मैंने अपना जो मेरा लास्ट वीडियो है इसके पहले का सेकंड लास्ट वीडियो, तो उसमें इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बनाया है कि टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये साइन कॉस की 2 डिग्री का फॉर्म भी है। ठीक है, हालांकि मल्टीपल में ये 4 डिग्री हो जा रहा है, लेकिन 2 डिग्री वाला यहाँ पे काम कर गया और वो जनरल सेंस है जिससे हम बहुत सारा काम करते रहेंगे। ठीक है, बट फ्रेंड्स अभी जो हमने टाइप्स पढ़ा है उसमें जो है आप देखिए, जो केस नंबर 5 जो मैंने कहा कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस टाइप को ये फॉलो कर रहा है कि एम प्लस एन दोनों, जो एम क्या है साइन की डिग्री और एन कॉस की डिग्री, यानी दोनों की डिग्री को अगर हम ऐड करें और वो निगेटिव इंटीजर आ जाए तो हमको धड़ल्ले से क्या करना है, टेन या कॉट को पुट कर देना है। ठीक है, तब आप देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों की डिग्री को ऐड करें तो एम प्लस एन, एम और प्लस एन ये क्या हो जाएगा, ये 2, अगर आप देखिए तो नीचे में 2 है तो ऊपर में -2 हो जाएगा और नीचे ऊपर कॉस का भी -2 यानी -4। ठीक है, जो सम है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है निगेटिव इंटीजर आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो सम अगर निगेटिव इंटीजर आ जाए तो ये जो हमने अभी पढ़ा है इंटीग्रेशन का टाइप, ये टाइप हमको क्या कहता है, ये टाइप हमको कहता है कि हमको क्या करना चाहिए, टेन को पुट करना चाहिए, यानी हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे टेन एक्स इक्वल टू टी। ओके, अब टेन एक्स इक्वल टू टी अगर आप पुट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव भी आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, तब अब जो क्वेश्चन बनाने का हमारा टेक्निक होगा वो क्या होगा कि हम क्वेश्चन को टेन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने टेन को पुटअप किया है। तो अगर हम साइन बाई कॉस यहाँ पे कर लेते हैं, साइन बाई कॉस, ठीक है, तो ये टेन बन जाएगा।
और फिर हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस 4, ताकि वापस हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब कॉस 4x को हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेक 4x dx, ओके फ्रेंड्स। और नीचे में क्या बन गया मेरा, टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे में टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, ओके। तो अब आपका देखो क्लियर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, नाइन्थ क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को रहने दीजिए, बाय डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स। अब हमारा क्वेश्चन पूरा जो है स्पेशल फॉर्म में तैयार हो चुका है, जिसमें हम सिर्फ पुटअप करेंगे, टेन को हमने टी लिया हुआ है, तो जहाँ पे टेन है वहाँ पे टी रख देना है, ठीक है। सेक स्क्वायर डी एक्स मेरा पूरा डी टी बन गया, तो ये डी टी हो गया, और नीचे में क्या आ गया, टी स्क्वायर, ओके। तो अब आप देखें कि अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सोल्व होने के कंडीशन पे आ गया है। आप क्या कीजिए, टी स्क्वायर को दोनों से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर एंड टी की पावर माइनस टू, और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, डी टी। अब टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई माइनस 1, और 1 का यानी डी टी का क्या हो जाएगा, टी प्लस सी। तो यानी ये क्या आ गया, टी माइनस 1 बाई टी प्लस सी। टी क्या था मेरा, तो मेरा टी था टेन, तो टेन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन एक्स, 1 बाई टी क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन को कॉट बोलते हैं, कॉट एक्स लिख देता हूँ, प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फिर से उसका आंसर वही आ रहा है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको अगर आप मेथड्स को याद करते हैं तो इस ये आपको बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसके लिए हम अलग से वीडियोस लेकर के आएंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको इससे फ़ायदा होता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, कोलैबोरेट कीजिए। आप लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे तो क्या है कि मेरा भी हौसला बढ़ेगा, तो मैं जो टाइम देता हूँ तो उससे मुझ में भी एनर्जी आएगी, ओके। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करके मेरे चैनल को प्रमोट करें, ओके। थैंक यू वेरी मच।